Now, hello everyone. Now let us move to our second exercise of M.L. Agrawal, where we have to discuss about the irrational numbers. In the first class, what we have discussed, कोई भी any number that can represent p upon q form is known as the rational number. कोई भी ऐसा number जो p upon q के form में represent करा जा सकता है, that is known as the rational numbers. 2, 3, 5, 5 upon 1, 5 upon 3, all are rational numbers. Now we are going to prove that under root 5 is an irrational number, under root 3 is an irrational number, under root 2 is an irrational number, under root 10 is an. तो कोई भी number अगर irrational prove करना है, we have to follow the same procedure. केवल यहाँ पे 5 जो भी आप digit बोलेंगे, that will change that place. ठीक है? We will discuss is now. Before discussing, just let me confirm what is the rational number. 2 upon 3 is a rational number only when 2 and 3 don't have any common factor. ये reduce नहीं हो सकता दोबारा, तब तक ये rational number है. अगर मैं इसको reduce कर सकता हूं तो rational number नहीं होगा. मैं reduce कर दूंगा तब ये rational number बन जाएगा. ठीक है? So we can say that it doesn't have any common factor. इनके पास कोई भी common factor नहीं होगा जो इनको reduce कर सके. So अब हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं? अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. सो हाउ वी विल प्रूव इट? लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर. व्हाट दे हैव गिवन, हमने क्या सपोज किया है? रूट 5 हमारा रेशनल नंबर है, हमने मान लिया. उन्होंने कहा इरेशनल प्रूफ करो, हमने प्रूफ करने को मान लिया दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर. हमने उसका कंट्राडिक्शन मान लिया है. ठीक है? अगर ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब रूट 5 किसके बराबर होगा? p अपॉन q के बराबर होगा, क्योंकि रेशनल नंबर वही होते हैं जो p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं. लेकिन कंडीशन क्या है? वेयर p एंड q डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर्स. p और q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. ठीक है? लेट्स मूव. स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर किया, 5 = p² / q². ठीक है? ये तो आता ही होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड. पी स्क्वायर को मिधल ले गए, p² = 5q². ठीक? अब 5q² को केवल अगर आप देखिए तो q कुछ भी हो, लेकिन ये कंप्लीट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 5 होगा, क्योंकि यहां पर 5 है. हम q की वैल्यू 3 रख दें, 3 × 9 × 5 = 45, 5 से डिवाइड होता है. कोई भी आप नंबर ले लीजिए q, अगर 5 इसके बगल में लिखा है, दैट मीन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5. ठीक? अगर ये डिविजिबल है तो ये भी तो डिविजिबल होगा, क्योंकि दोनों बराबर है. सिंस पी क्यू 5q² डिविजिबल बाय 5, सो p² इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. हमने कहा इट इंप्लाइज p² इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. पी 5 इज प्राइम नंबर, इतना पता होगा. 2, 3, 5 वाला प्राइम नंबर. प्राइम नंबर अगर डिवाइड कर रहा है किसी को, दैट मीन्स वो उसके अंडर रूट को भी डिवाइड करेगा. सपोज 25 को 5 डिवाइड करता है, 25 का अंडर रूट 5 को भी 5 डिवाइड करेगा. 36 को 3 डिवाइड करता है, तो उसका अंडर रूट 6 को भी 3 डिवाइड करेगा. ये एक रूल होता है, अगर किसी का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो उसका अंडर रूट भी उस नंबर से डिवाइड होता है. इसको आपको समझना पड़ेगा. ठीक है? अब क्या कहा इन्होंने, अगर ये डिविजिबल बाय 5 है तो हम इसको किस फॉर्म में ले सकते हैं? p = 5m के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये नंबर भी 5 से डिविजिबल है. आप 5x कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. आई हैव टेकन द m पार्ट. p को 5m के फॉर्म में लिखा जा सकता है. मूव ऑन. p की 5m वैल्यू हमने कहां रख दी? यहां रख दी. वी विल गेट 5m² = 5q² 25m² = 5q² कैंसिल आउट हुआ. 5m² = q², सेम प्रोसीजर. q² 5m² अगर 5m² = 5 है, इसका मतलब है q² भी डिविजिबल बाय 5 होगा. एंड अगेन द q² अगर 5 से डिविजिबल है, दैट मीन्स q भी 5 से डिविजिबल होगा. अभी मैंने बताया अगर किसी का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, दैट मीन्स उसका स्क्वायर रूट भी 5 से डिवाइड होगा. ठीक? p भी 5 से डिवाइड होना था, q भी 5 से डिवाइड हो रहा है. इसका क्या मतलब है? दैट p एंड q मस्ट हैव द कॉमन फैक्टर नेम्ड 5.
दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर आ गया 5, क्योंकि 5 p भी 5 से डिवाइड होता था और q भी 5 से डिवाइड होता था. इट मीन्स p एंड q मस्ट हैव द कॉमन फैक्टर 5. दोनों का ही कॉमन फैक्टर 5 है. दैट मीन्स हमारा एग्जम्पशन क्या था, ये एक रेशनल नंबर है जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा. इसका मतलब हमारा जो एग्जम्पशन था वही गलत है. क्या लिखा हमने लास्ट में, आवर एग्जम्पशन वॉज रॉन्ग. इट इंप्लाइज अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. अंडर रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है. सिमिलरली हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मैं यहाँ 2 लिख दू, वी विल फॉलो द सेम प्रोसीजर. यहाँ पे 2 फॉलो हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इट विल बिकम 2, इट विल बिकम 2, ये 2 बन जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 हो जाएगा, 2m² = q², यहाँ पर सब 2 चलने लगेंगे अब. ठीक है, सेम प्रोसीजर, 2 लिख लीजिए, 3 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, 11 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, विल फॉलो द सेम प्रोसीजर. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. जस्ट लर्न दिस प्रोसीजर, समझ के यू हैव टू लर्न दिस प्रोसीजर. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता दो. ठीक है, जस्ट गो थ्रू दिस. द सेकेंड क्वेश्चन वी हैव गेट इन दिस एक्सरसाइज इज जस्ट वन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऑल आर सेम क्वेश्चन, केवल डिजिट का चेंज है. ठीक है, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एट्थ पार्ट, 5 + √2. मैंने कहा सेकेंड क्वेश्चन में 7√7 है, तो जस्ट पुट द 5 की जगह आप 7 रख देंगे. थर्ड में 6 की जगह हम 5 की जगह हम 6 रख देंगे, 1/11 रख देंगे. सेम प्रोसीजर वॉज फॉलो, एक ही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा. ठीक है, 1/11 डजंट मेक द डिफरेंस. आप उसको जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट द सेम आंसर. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द एट पार्ट. एट के चार पार्ट है, 5 + √2, 3 - 5√3, 2√3 - 7 और √2 + √4. क्या कहा इन्होंने, प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स. तो ये इरेशनल नंबर्स क्यों होंगे, बिकॉज एक रूल है कि भाई अगर √3 इरेशनल नंबर है, दैट मीन्स 2√3 भी इरेशनल नंबर होगा. √5 इरेशनल नंबर है, तो √5 - 3 भी इरेशनल नंबर होगा. दिस इज द कॉन्सेप्ट. तो क्या कहा इन्होंने, लेट मी रब दिस. ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन, 5 + √2 इज, 5 + √2 मीन्स लेट 5 + √2 इज इक्वल टू p/q फॉर्म. सेम प्रोसीजर में कुछ नहीं है, इज अ रेशनल नंबर मान लेते हैं. इसका मतलब √2 इज इक्वल टू p/q माइनस 5 इज ऑल्सो रेशनल. ठीक है, ये भी एक रेशनल नंबर हुआ. इसको जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट p - 5q/q इज ऑल्सो रेशनल. ठीक, और एक बात बताइए, अगर p - 5q/q रेशनल है तो क्या इसका लेफ्ट साइड इसके इक्वल नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इट इंप्लाइज √2 इज ऑल्सो रेशनल. ठीक है, ये तो मतलब हुआ √2 भी रेशनल हुआ. इट इंप्लाइज, बट सिंस √2 इज इरेशनल नंबर, सो आवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग. हमारा एजम्पशन क्या है, गलत है. क्या एजम्पशन था हमारा, दैट 5 + √2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p/q फॉर्म. 5 + √2 एक p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो एक रेशनल नंबर है. अवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, सो 5 + √2 इज इरेशनल
नंबर। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सिमिलरली 3-5√3 इज देयर, अगला पार्ट क्या है, 3-5√3 इज देयर, इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में मानेंगे। लेट मी रब दिस। ठीक है, 3-5√3 पी अपॉन क्यू के फॉर्म माना। अब हम इसको इधर लाएंगे, 5√3 इज इक्वल टू 3-P/Q फॉर्म, 3Q-P/Q फॉर्म, 5√3, 5 को इधर लेके आएंगे, √3 इज इक्वल टू 3Q-P/5Q इज। ठीक है, ये रेशनल नंबर है, दैट मीन √3 मस्ट ऑल्सो बी द रेशनल नंबर, और अगर √3 रेशनल नंबर हुआ तो हमारा assumption गलत हो जाएगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी नो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, फिर भी अगर एक बार सॉल्व करके देखना, इफ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम। इसमें सारे क्वेश्चन सिर्फ इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सारे ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, जस्ट द नंबर जस्ट द डिजिट इज चेंज। ठीक है, सबको आप इसमें देखो, दो टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट वी हैव टू प्रूव इट कि भाई √2 है, √3 है, √7 इरेशनल नंबर है, तो हम फर्स्ट प्रोसीजर फॉलो करेंगे। बट वेन टू कम टू दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे आसान हो जाता है काम, बिकॉज यहाँ कुछ करना ही नहीं होता है, जस्ट मेक द इरेशनल नंबर अलोन, केवल इसको आप अकेला बनाइए, बाकी तो सॉल्व हो ही जाएगा। जस्ट वी हैव टू राइट दिस लैंग्वेज, हमें यहाँ पे लैंग्वेज लिखनी होती है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, जस्ट गो थ्रू द फर्स्ट वीडियो इन विच वी हैव डिस्कस द फर्स्ट एक्सरसाइज, एंड नाउ दिस इज द सेकेंड एक्सरसाइज। ठीक है, like this only we will complete the course. Okay, I hope you have enjoyed. Please subscribe my channel and like the video. Okay, thank you class.